काफ़ी भाई जानना चाहते हैं कि कुवैत का वीज़ा कितने दिन में आता है और कुवैत के वीज़े आने में क्या प्रक्रिया होती है, कब हमें मिल जाता है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट कुवैत के रिलेटिव और कुवैत की जानकारी ड्राइवर के रिलेटिव आपको मिलती रहे। दोस्तों, कुवैत का वीज़ा आने से पहले आपको कुवैत का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वो अप्लाई कहाँ से करना पड़ता है, दो तीन प्रकार से हो जाता है। जैसे कि एक एम्बेसी के तरीके से आप कर सकते हो, दूसरा होता है दोस्तों आप किसी जान पहचान वाले के तरीके से कर सकते हो, और तीसरा पॉइंट होता है आप किसी एजेंट के तरीके से कर सकते हो। तो कि एम्बेसी के तरीके से जो वीज़ा अप्लाई होता है वो फ़िलहाल आपको दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो आपको अभी मिल नहीं सकता है, फ़िलहाल इस समय टूरिस्ट वीज़ा बंद है। वर्क परमिट वीज़ा दोस्तों कुवैत का चालू है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए। अगर आप एजेंट के तरीके से दोस्तों अप्लाई करते हो तो एजेंट का जो तकरीबन जो मार्जिन होता है 80,000 से लेके 90,000 तक होता है, ये एजेंट का मार्जिन। अगर आपको एजेंट के तरीके से वीज़ा मिलेगा तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। और अगर वही वीज़ा आप अपने जान पहचान वाले या दोस्त के यार से तरीके से ख़रीदोगे, उसको भी पैसे देके, तो वो वीज़ा आपको मिल जाएगा दोस्तों मात्र आपका 50,000 से 60,000 के आसपास आप कुवैत पहुंच जाओगे, ये तो होता है। अब वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, तो दोस्तों आप जब भी डॉक्यूमेंट जमा कराते हो, अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो अगले बंदे को वीज़े के लिए, वो देता है उठा के कंपनी हो या यहाँ पे जो आप वर्क परमिट में आ रहे हो कंपनी को, या आप कपिल के आ रहे हो, या घर में काम करने आ रहे हो, ड्राइवर में, किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, तो उसको वो डॉक्यूमेंट देगा। उसके बाद में दोस्तों आपका वो डॉक्यूमेंट लेके जाता है जहाँ यहाँ हुकुमा मॉल बोलते हैं, और जो यहाँ वीज़ा ऑफिस होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे यहाँ का नागरिक जाता है कि मुझे वर्कर की ज़रूरत है, मुझे एक ये डॉक्यूमेंट है, मेरे को वीज़ा चाहिए, तो वो एक पेपर निकाल के देता है वीज़े का, तो वो पेपर आपको निकाल के देगा। उसमें आपका टाइम लग जाता है, कभी कभी एक हफ्ता भी लग जाता है, और कभी कभी दो हफ्ते भी लग जाते हैं, और कभी कभी 3 हफ्ते भी लग जाता है। अब 3 हफ्ते आपका वीज़ा यहाँ से लग गया है तो आपको अपने तक पहुँचने में 1 से 2 हफ्ता और मान लो, यानी यही समझ के चलो कि आपका वीज़ा 35 डे में, 30 डे में, 40 डे में आपको वीज़ा मिल जाता है। नॉर्मल ये ज़्यादा का मैंने लंबा प्रोसेसर वाला ही बताया हूँ, इससे कम भी मिल जाता है, 20-22 दिन के भीतर भी मिल जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका वीज़ा कब निकलता है। तो निकलने के बाद में दोस्तों जो भी है आप प्रक्रिया करके आप कुवैत कंट्री आ सकते हो। तो दोस्तों आप कुछ भी पूछना चाहते हो, वीडियो आपको अगर कुछ भी वीडियो डिफरेंट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें अपनी राय बता सकते हो, हम आपकी राय जानने के लिए तैयार है। आपको जो भी एनीवे प्रॉब्लम होगी हम उसको समाधान निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, जाती रहती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो लव यू दोस्तों, चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि किसी भाई के ये वीडियो काम आ सके।